नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नु कपूर। वाह, 92.7 बिग एफएम पर। उन सभी लोगों का वंदन है, अभिनंदन है, वो लोग जो अपने रेडियो सेट्स पर ये कार्यक्रम सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नु कपूर। और साथ साथ स्वागत करता हूँ स्टूडियो में बैठी हमारी लाइव ऑडियंस का। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच। 24 जुलाई 1937 को वर्तमान पाकिस्तान के एक कस्बे में हरी कृष्ण गिरी गोस्वामी का जन्म हुआ। इस कस्बे का नाम था एबटाबाद। अभी कुछ साल पहले ये लगभग अनजान गुमनाम सी जगह बहुत लाइमलाइट में आ गई है। एबटाबाद, पाकिस्तान का एक कस्बा एबटाबाद। बता सकते हैं आप में से कोई? नहीं नहीं, मैं जान रहा हूँ आप लोग जो रेडियो पर गाड़ी चलाते हुए अपना सफ़र तय करते हुए सुरीला सफ़र सुन रहे हैं, उन सब के लिए ये इतना बड़ा शॉकिंग नाम नहीं है। आपको अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं। जी जी जी, एहसान भाई कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये एबटाबाद वही जगह है अन्नु जी जहां दुनिया का सबसे खतरनाक व्यक्ति पकड़ा गया था जिसका नाम है ओसामा बिन लादेन। संयोग देखिए कि एक ही धरती पर एक हिंसा की बात होती है और उसी धरती एबटाबाद पे 24 जुलाई 1937 को एक इंसानियत और देशभक्त ने जन्म लिया था जिनका नाम हरी कृष्ण गिरी गोस्वामी। देश का बंटवारा हुआ और 10 साल की उम्र में ही हरी कृष्ण गिरी गोस्वामी को अपने परिवार के साथ अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी और रिफ्यूजीज की तरह आके, हजारों लोग रिफ्यूजीज आए थे, दिल्ली में बस गए। दिल्ली के विजयनगर में काफी समय तक रिफ्यूजी कैंप में रहने के बाद परिवार शिफ्ट हो गया पटेल नगर में। इनको बचपन से ही फिल्मों का शौक था। दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन थे, बहुत जबरदस्त। आज भी मनोज कुमार दिलीप कुमार को अपना गुरु मानते हैं। बालक हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी दिलीप कुमार का इतना बड़ा फैन था कि उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म शबनम कई बार देखी थी। अब इत्तफाक देखिए कि फिल्म शबनम में दिलीप कुमार के रोल का जो नाम था वो नाम था मनोज। दिलीप कुमार से इतना प्रभावित थे कि अगर हरी कृष्ण गोस्वामी का बस चलता तो वो अपना नाम ही दिलीप कुमार रख लेते, परंतु शबनम फिल्म में दिलीप कुमार के रोल का नाम था मनोज, इसलिए हरी कृष्ण गिरी गोस्वामी ने फिल्मों में आने के बाद अपना नाम रख लिया मनोज कुमार। फिल्मों का रुझान और किस्मत मनोज कुमार को लेके आ गई चित्रनगरी बंबई। छोटे मोटे रोल करने के बाद उन्हें हीरो की भूमिका मिली। पहली फिल्म थी हनीमून। चलिए साहब, कई फिल्में की, पिया मिलन की आस, रेशमी रुमाल, और ये इसी दौर से गुजरते हुए बैजू बावरा और गूंज उठी शहनाई जैसी फिल्में बनाने वाले विजय भट्ट जी की इन पर नजर पड़ी और विजय भट्ट ने ही इन्हें दिया रियल मायने में एक टर्निंग पॉइंट ब्रेक, उस फिल्म से जिसका नाम था हरियाली और रास्ता। देखिए, फिल्में तो हम सब करते हैं लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आता है करियर में जहां से लगता है कि भाई आमद हो गई है, आगमन हो गया है। हियर अराइव्स द स्टार एंड मनोज कुमार द स्टार अराइव्स विद हरियाली और रास्ता। रेडियो सिलोन पे हीरो हीरोइंस के इंटरव्यू करते करते कब सुनील दत्त खुद हीरो बन गए ये आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अब मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह आरजे बलराज दत्त बन गए हीरो सुनील दत्त। जिन हीरोज के, हीरोइंस के इन्होंने रेडियो सिलोन पे इंटरव्यू लिए उनमें नरगिस भी शामिल थी। इनके अच्छे व्यवहार और गुड लुक्स के चर्चे इनके रेडियो सिलोन में रहते हुए ही होने लगे थे।
कुछ समय बाद ही 1955 में अपने जमाने के चर्चित डायरेक्टर रमेश सहगल ने इन्हें अपनी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में उस वक्त की बहुत ही मशहूर हीरोइन नलिनी जयवंत के साथ साइन कर लिया एज ए हीरो और बलराज दत्त को नया नाम दे दिया सुनील दत्त, क्योंकि एक बलराज यानी बलराज साहनी पहले से ही फिल्मों में मौजूद थे। इस फिल्म से बलराज से सुनील बने सुनील दत्त को पहचान तो मिली पर सफलता नहीं मिली। सुनील दत्त ने सफलता का स्वाद चखा बीआर चोपड़ा की फिल्म एक ही रास्ता से, जिसमें इनके साथ थी मीना कुमारी और अशोक कुमार की हिट जोड़ी। लेकिन सुनील दत्त को स्टार बनाया 1957 में आई महबूब खान की मैग्नम ओपस फिल्म मदर इंडिया ने, जी, जिसमें इन्होंने नरगिस और राजकुमार के छोटे मगर बिगड़ैल और गुस्सैल बिरजू की भूमिका को आत्मसात कर दिखाया। इस फिल्म में नरगिस के बाद यही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी और सुनील दत्त ने इस रोल को इस तरह जिया कि दर्शकों को सुनील दत्त कौन है पता हो या ना हो, पर बिरजू को पूरा हिंदुस्तान जानता था। चर्चा मोहम्मद रफी की, उस मोहम्मद रफी की जो गरीब जरूर था मगर था खुददार, मोहम्मद रफी। सुनते हैं थोड़ी देर में। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सहगल साहब के एक शो में लाइट गुल हो जाने की वजह से मोहम्मद रफी साहब को गाने का मौका मिला। जनता ने उनका गाना सुना, गाना सराहा, वहीं पर उस वक्त के म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर मौजूद थे, उन्होंने बॉम्बे आने का इनविटेशन दे दिया। रफ़ी साहब जब बॉम्बे आए तो उन्हें फिल्म शाहजहां में सहगल साहब के गाए एक गीत में कोरस में गाने का मौका मिला, रूही रूही मेरे सपनों की। इस गीत में उनकी एक सोलो लाइन भी थी जिसे इनसे गवाया था लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब। नौशाद साहब की बात चल रही थी, मैं आपको बताना चाहूँगा एक स्वाभिमानी का, मासूमियत का, खुददारी का किस्सा। देखिए, रफ़ी साहब ने नौशाद साहब के गाने की रिकॉर्डिंग में भाग लिया, कोरस गाना था। रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई, ये नीचे आ गए। अब थोड़ी देर बाद पैकअप करने के बाद जब नौशाद साहब नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि ये नौजवान रफ़ी खड़ा हुआ है। नौजवान रफ़ी से जब नौशाद साहब ने पूछा कि घर क्यों नहीं गए, तो मोहम्मद रफ़ी ने कहा कि साहब कल भी तो वापस आना है, रिकॉर्डिंग अभी बाकी है और जाके वापस आने के पैसे मेरे पास नहीं है। नौशाद साहब को अचंभा हुआ, अचरज से वो बोले, अरे तो पैसे नहीं है तो मांग लेते। मोहम्मद रफ़ी ने कहा, हुजूर मेहनताना कैसे मांगता, अभी रिकॉर्डिंग या काम पूरा नहीं हुआ है। देखिए, ये मासूमियत थी उस ये उस जनरेशन के, उस नस्ल के लोगों की खासियत थी, काम पूरा नहीं हुआ है, मेहनताना तो तब लूंगा जब काम पूरा हो जाएगा। नौशाद साहब ने पैसे दिए, आशीर्वाद दिए, बहुत दुआएं दी और यहीं से नौशाद और मोहम्मद रफ़ी साहब का एक रिश्ता कायम हुआ जो ता जिंदगी चलता रहा। वो फिल्म कौन सी थी जिससे मुमताज बनी ए ग्रेड फिल्म्स की हीरोइन, बताऊंगा थोड़ी देर में। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। स्वागत है आप सबका। मुमताज दारा सिंह की हीरोइन थी लेकिन एक ब्रेक की तलाश थी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर लेना नहीं चाहते थे मुमताज को। ऐसे में वो कौन हीरो था जिसने कहा नहीं मैं इसके साथ काम करूंगा, आप में से अंदाजा बता सकते हैं कोई? राजेश खन्ना नहीं, शम्मी कपूर जी का तो चक्कर आ गए थे, शम्मी कपूर जी को मुमताज से प्यार कर बैठे थे। नहीं, बिल्कुल जी लगती भी वो डॉल सी थी। अरे खूबसूरत, क्या बात। विधि ने स्टंट फिल्म्स की हीरोइन बनाया और हीरो मिल गया दारा सिंह, लेकिन अब एक ब्रेक की तलाश थी, ए ग्रेड की हीरोइन बनना था। जो मुमताज बनी वो हीरो कौन था, मैं सिर्फ आपने पूछना चाहता हूं। मेरे दिलीप कुमार और फिल्म थी राम और शाम। तो साहब, जिस मुमताज के साथ कोई हीरो काम करना नहीं चाह रहा था, उसी मुमताज के साथ काम करने को तैयार हो गए
दिलीप कुमार। जी हाँ जी, डी शब्द का उनकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसे दारा जी थे और ऐसे दिलीप कुमार सिंह के, आप समझ रहे है ना। तो दारा सिंह जी के साथ तो बहुत सारी फिल्में की हैं, याद आ रही है कोई फिल्में जो कुछ बताई थी उसके अलग हटके? जी नहीं, मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, बहुत उल्लेखनीय फिल्म की याद दिलाना चाहूँगा, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक गीत है। फिल्म का नाम था सिकंदर आजम। सिकंदर आजम, सिकंदर आजम में मुमताज़ के ऊपर पिक्चराइज्ड एक गीत है, बहुत कम लोगों को पता होगा। जी 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 जी, लेकिन लेकिन इस फिल्म का एक गीत ऐसा है कि जब तक हम अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाते रहेंगे, जमाना कितना ही आगे बढ़ जाए, लेकिन ये गीत हम दोहराते रहेंगे भारत माता की याद में। और ये गीत जो सिकंदर आजम का है, वो तीन पी हैं उसके अंदर। पी, पी फॉर पृथ्वीराज कपूर, पी फॉर प्रेमनाथ एंड पी फॉर प्रेम चोपड़ा। आज उसी भारत देश की एक बच्ची जो बन गई बहुत बड़ी हीरोइन, उसकी चर्चा कर रहे हैं। उस हीरोइन का नाम मुमताज। दिलीप कुमार ने उनके साथ काम करना स्वीकार किया फिल्म राम और श्याम, और फिर तो गाड़ी चल निकली। नए नए मकाम और उरूज और सीढ़ियां चढ़ती चली गईं मुमताज। लेकिन देखिए विधि का विधान, कि जिस लड़की के साथ हीरोज काम करने को तैयार नहीं थे, जब वो बन गई हीरोइन, तो बहुत सारे हीरोज जिद पे अड़ गए कि हमें तो सिर्फ मुमताज के साथ काम करना है। मीना कुमारी की जिंदगी के बारे में जानेंगे। जिंदगी, असफल प्रेम की जिंदगी, जिंदगी नाकामयाब शादी शुदा गृहस्थी की जिंदगी, जिंदगी तलाक की जिंदगी, जिंदगी पाकीजा के 14 साल तक अटकने की जिंदगी, और इसी ट्रेजिक जिंदगी से जुड़ी हुई न जाने कितनी ट्रेजिक कहानियां। और मीना कुमारी के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मीना कुमारी का नाम रखा था महजबीन। 7 साल की छोटी सी उम्र में फिल्मों में काम करना पड़ा, मजबूरी थी, माँ बाप के पास पैसा नहीं था। और पहली फिल्म करती हैं बेबी मीना के नाम से, फर्जदे हिंद। इस छोटी सी उम्र में मीना के पैसे से परिवार का खर्चा चलता था। कहते हैं ना, गरीब का बच्चा जल्दी बड़ा हो जाता है। बेबी मीना भी बहुत जल्दी मीना कुमारी बन गई, और फिर लाल हवेली, अनमोल रतन, सनम, तमाशा और बहुत सी फिल्में सेकंड लीड में और छोटे मोटे काम किए इस तरह से। एज हीरोइन भी एक्ट्रेस बनने के सफर का आगाज हो गया। आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। और वो नाम था 1952 में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम था बैजू बावरा। क्या फिल्म! बैजू बावरा ने मीना कुमारी को हिंदी सिनेमा में एस्टैब्लिश कर दिया एज ए वेरी प्रोमिनेंट एंड टैलेंटेड हीरोइन के रूप में। बैजू बावरा से हिट होने से पहले ही इनकी मुलाकात हुई थी एक सेट पर, कमाल अमरोही से सामना हो गया था। कमाल अमरोही सुपरहिट फिल्म महल बना के जनता की वाहवाही लूट चुके थे और बन गए थे स्टार डायरेक्टर। मीना कुमारी के सलाम का जवाब उन्होंने नहीं दिया, ये बात मीना कुमारी के दिल में घर कर गई। कुछ दिनों के बाद मीना कुमारी के वालिद साहब ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, कमाल अमरोही तुम्हें एक फिल्म के लिए साइन करना चाहते हैं। मीना कुमारी को याद आ गया वो किस्सा, वो मंजर, जब कमाल अमरोही ने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया था। उन्होंने अपने अब्बा से कहा, अब्बा, मैं कमाल अमरोही की फिल्म साइन नहीं करना चाहती, ना ही उनके साथ काम करना चाहती हूँ। बाप ने पूछा, बेटा क्या बात है, बहुत बड़ा डायरेक्टर है। कहने लगे कि ऐसा बड़ा डायरेक्टर क्या
जो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकता है उस डायरेक्टर के साथ मैं काम नहीं करूंगी। बहरहाल पता नहीं क्या हुआ कि कमाल साहब ने उनको मनाया, अपने इंटेलेक्ट का जादू उनके ऊपर बिखेरा और फिल्म के लिए साइन कर ही लिया। अब ये अलग बात है कि फिल्म कभी बन नहीं पाई। ये सारी घटना बैजू बाबरा के पहले की है। समझ लीजिए उसी वक्त या उसके थोड़े से अरसे के बाद मीना कुमारी ने निकाह कर लिया कमाल अमरोही से। गुरुदत्त चले गए, मगर वो कौन सी फिल्म थी जो गुरुदत्त की मौत के बाद मिली संजीव कुमार को? वापस आके बताऊंगा। आप हमारे साथ बने रहें और सुनते रहें आपका इस शो जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर के आसिफ ने गुरुदत्त को अपनी एक बहुत ही एम्बिशियस फिल्म लव एंड गॉड के लिए साइन किया था। लव एंड गॉड लैला मजनू के मशहूर अफसाने पर बेस्ड फिल्म थी। उन्होंने गुरुदत्त को मजनू और निम्मी को लैला के रोल के लिए साइन कर लिया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और कुछ दिनों बाद ही बंद हो गई, जिसकी वजह थी गुरुदत्त की बेवक्त मौत। उनके जाने के बाद नए मजनू की तलाश शुरू हो गई, जो कई सालों तक चलती रही। एक दिन एक लड़का किसी स्टूडियो में ऑडिशन देने गया, जहां किसी ने उसका जूता चोरी कर लिया। लड़का परेशान हालत में पागलों की तरह अपना जूता ढूंढ रहा था, यहां से वहां, वहां से यहां। तभी के आसिफ की नजर इस लड़के पर पड़ी। उन्होंने इस लड़के से जब उसकी परेशानी का सबब पूछा, तो इस लड़के ने जिस शिद्दत और बेचारगी से जवाब दिया, जवाब सुनकर के आसिफ को लगा कि उनकी मजनू की तलाश पूरी हो गई। उस लड़के से नाम पूछा, लड़के ने कहा, जी मेरा नाम संजीव कुमार है। संजीव कुमार का जूता मिला या नहीं, पर उन्हें लव एंड गॉड में गुरुदत्त की जगह मजनू का रोल जरूर मिल गया। फिल्म की शूटिंग फिर शुरू हुई और आधी से ज्यादा फिल्म शूट होने के बाद फिर अचानक रुक गई। 1971 में इस फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ ने दुनिया को अलविदा कह दिया। यह संजीव कुमार के लिए एक जबरदस्त झटका था। हालांकि तब तक संजीव कुमार दूसरी फिल्मों से नाम, ख्याति और अवार्ड्स जीत चुके थे। 1975 संजीव कुमार के लिए बहुत ही खास था। इस साल जहां उनकी फिल्म आंधी रिलीज हुई, जिसका बैकड्रॉप पॉलिटिकल था, साथ ही आई हिंदुस्तान की सबसे कामयाब और मास्टरपीस फिल्म शोले। शोले के ठाकुर को आज भी बच्चा बच्चा जानता है। इसके बाद तो उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में और रोल किए जो उस वक्त सिर्फ वही कर सकते थे। उन्होंने अपने हम उम्र कलाकार जैसे कि धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर के पिताओं की भूमिका भी निभाई। तो कभी मौसम में शर्मिला टैगोर के प्रेमी और बाप समान इंसान की भूमिका को आत्मसात किया। कॉमेडी में भी उनकी टाइमिंग का कोई मुकाबला नहीं था। पति पत्नी और वो, स्वर्ग नरक, अंगूर, स्वयंवर, श्रीमान श्रीमती और हीरो जैसी फिल्मों में भी उन्होंने कमाल की कॉमेडी की। और ये महान अभिनेता, ग्रेट एक्टर, 6 नवंबर 1985 में दिल का दौरा पड़ने से हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़ के चला गया। गुरुदत्त की तरह संजीव कुमार भी लव एंड गॉड को कभी पूरा नहीं कर पाए। हालांकि उनकी मौत के 6 महीने बाद ही इस अधूरी फिल्म को रिलीज कर दिया गया। दोस्तों, ऐसे कलाकार दुनिया में कम पैदा होते हैं। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। वो हिजर की रात का सितारा, वो हम नफस हम सुखन हमारा, सदा रहे नाम उसका प्यारा, सुना है कल रात मर गया वो। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो। मेहरबान दोस्तों, अगर आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 55454। लिखिए बिग देन स्पेस एंड देन योर मैसेज। आपके रिस्पांस का इंतजार रहेगा। आप हमारे शोज बिग एफएम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। और फेसबुक पर मुझे कांटेक्ट करने के लिए लाइक कीजिए मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज
facebook.com/suhanasafarwithannukapoor। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।